पत्नी है और उसकी एक और बहन प्रीति था, ये अभी जख्मी का इलाज पटना में चल रहा है। पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन दोनों के बीच आशीष चौधरी और दुर्गा झा के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध था और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। कहीं ना कहीं उनके परिवार की दोनों की रजामंदी भी थी। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इसमें लड़के के परिवार वाले भी हैं और लड़की के परिवार वाले भी हैं, लेकिन किसी कारण से फिर अनबन हुआ इन दोनों में, जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी है और उनके घर से घटना। नमस्कार, सम्यक समाचार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लखीसराय की एक घटना है जो काफी चर्चा में है और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा उसको नया मोड़ देने का काम चल रहा है। तो सबसे पहले जो वहां के पुलिस प्रशासन है उनका अपील है, वो देखिए क्या अपील कर रहे हैं, वीडियो में देखिए पहले। कि कल दिनांक 20/11/2023 की घटना है, लखीसराय शहर के कवैया ओपी के अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला है, वहीं पर आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं और ये दोनों साथ रह रहे थे। इसी कारण से कल ये घटना घटी है कि आशीष चौधरी ने छठ पर्व की समाप्ति के उपरांत सुबह करीब 7:30-8 बजे छठ घाट से अर्घ दे के लौटने के बाद ये गोलीबारी की घटना दुर्गा झा के घर के समीप की गई है। इस गोलीबारी की घटना में कुल 6 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें अभी तक दुर्गा झा लड़की का देहांत कल पटना में हुआ है और उसके जो दो भाई थे चंदन झा और राजनंदन झा, इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। कुल 3 लोग अभी तक इसमें मृत हो गए हैं। बाकी जो 3 लोग हैं, दुर्गा झा लड़की के पिता शशिभूषण झा ही हैं और उसकी एक और बहन प्रीति झा, ये अभी जख्मी का इलाज पटना में चल रहा है। पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन दोनों के बीच आशीष चौधरी और दुर्गा झा के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध था और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। कहीं ना कहीं उनके परिवार की दोनों की रजामंदी भी थी। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इसमें लड़के के परिवार वाले भी हैं और लड़की के परिवार वाले भी हैं, लेकिन किसी कारण से फिर अनबन हुआ इन दोनों में, जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी है। और उनके घर से घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफ़ी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफ़ी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। दुर्गा झा के लिए उसने उसको कोचिंग में रख के पटना में पढ़ाया, नाला रोड में, उसका भी जिक्र उस डायरी में आप लोग देखेंगे, और हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में रख के कोचिंग करवाया बैंकिंग के लिए। अपना हिस्से की ज़मीन उसने बेच दी अपने भाई के नाम से, उस पैसे से उस दुर्गा झा को पटना में रख के पढ़ाया और सारा पैसा ख़त्म कर दिया। और इसके बाद वो लड़की को कैसे दुराव उससे हुआ, इसकी जिक्र भी उस डायरी में है। और उसके परिवार वाले ने फिर बाद में उसको तनिष्क का एक शोरूम है हथुआ मार्केट में पटना में, वहाँ सेल्समैन के रूप में उस लड़की को रखा। और इस डायरी में जो अंकित है कि लड़की वहाँ जब काम कर रही थी दुर्गा झा, तो वहाँ फिर किसी और लड़के से उसका अंतरंग संबंध हो गया है। और इसकी जानकारी जब आशीष चौधरी को हो गई है तो इसके बाद इसने इतना बड़ा कदम उठाया है। और इसमें जो उसने अपना 15 पृष्ठों में जो बयान दर्ज किया है अपना, उसमें इसने उल्लेख किया है कि कई काफ़ी सोच विचार करने के बाद, काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद ये घटना उसने किया है। और ये घटना तो जघन्य है, लेकिन पुलिस इसमें काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जिसने लाइनर की भूमिका निभाई है, जिस लड़के ने, उसका नाम है राजन पासवान उर्फ समीर राज, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पूरे CDR के लोकेशन से, वैज्ञानिक अनुसंधान से यह साबित हो गया है कि पूरा घटना का लाइव लोकेशन आशीष चौधरी को ये समीर पासवान दे रहा था। CDR से ये बात प्रमाणित है कि हर 15 मिनट पर 20 मिनट पर 4 कॉल हैं, 7 बजे से लेकर 7:30 के करीब 7:45 के करीब तक कॉल से वो बताते गया है। और घटनास्थल पर इसी के लाइव लोकेशन देने पर वहाँ पर पूछ के आशीष चौधरी ने गोलीबारी की घटना की गई है। तो इसमें लाइनर की भूमिका निभाने वाले समीर राज उर्फ राजन की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उमेश साव की, जिसके बारे में अनुसंधान में और साक्ष्य आए हैं और उस पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए। इसके अतिरिक्त अन्य लोग पर भी अभी पुलिस की नज़र है, जो अनुसंधान में जो तथ्य आए हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। किसी भी कीमत पर
हम लोग आशीष चौधरी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये घटना उसने किया है, मानसिक रूप से भले ही प्रताड़ित हुआ हो लेकिन घटना जघन्य है और अपराध के दृष्टिकोण से ऐसी घटना को पुलिस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इस पर हम लोग काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। रात में भी रेड हुआ है, आज भी आशीष चौधरी के जो संभावित ठिकाने हैं पुलिस के नज़र में उस पर पुलिस की टीम जा चुकी है और दूसरी कुछ टीम भी रवाना हो रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए और उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग आशीष चौधरी को भी पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे और आशीष चौधरी को निश्चित रूप से पुलिस पकड़कर कार्रवाई करेगी। सर, ये डायरी लिखने से ये नहीं अंदाजा लगता है कि ये सरफिरा आसिफ के साथ साथ सातिर भी है? आप कह सकते हैं सातिर भी है और इसके कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री भी मिले हैं, जो पहले किसी मामले में ये जेल गया है तो उस पर भी हम लोग देख रहे हैं उसको बढ़िया से कि किस तरीके उसका रिकॉर्ड भी निकालना पड़ेगा, चूंकि 2007-08 का मामला बताया जा रहा है तो उसके रिकॉर्ड को हम लोग देखेंगे कि उसमें किस कारण से उसको जेल जाना पड़ा था। तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कोई मर्डर की घटना घटी थी लखीसराय में, उसमें ये जेल गया था और उमेश साहब और ये आशीष चौधरी, तो उसको हम लोग अपना रिकॉर्ड से खंगाल रहे हैं, कोर्ट से भी उसको वेरीफाई कर रहे हैं और यहाँ के लखीसराय के पब्लिक से हम यही अपील करना चाहेंगे कि किसी बहकावे में ना आए। सोशल मीडिया पर कई तरीके के पोस्ट कास्ट को लेकर किया जा रहा है, ये कास्ट से संबंधित घटना नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम प्रसंग के कारण जो आंतरिक विरोध हुआ है उसके कारण ये घटना घटी हुई है। इसमें दो जाति के लोग इन्वॉल्व जरूर हैं लेकिन कास्ट राइट के रूप में इशू नहीं है। इसलिए लखीसराय की जनता से मेरा यही अपील है कि धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें और इसमें जो सही कल्प्रिट है वो जल्द पकड़ा जाएगा। हथियार वही घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है, हथियार का फोटो आप लोग उसमें एक देसी पिस्तौल है, यह हथियार आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हथियार है, इसमें जो 10 खोखा फायर किया हुआ प्राप्त हुआ है और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, ये हथियार है। सर, हथियार कौन उपलब्ध कराया ये कुछ पता चला? हथियार वह घटनास्थल के पास से हुआ है और किसी पब्लिक ने ही कोई बताया था जिस पर पुलिस ने वहाँ से रिकवर किया है। एक सवाल सर और, सर मैंने पीड़ित का आरोप है परिजन का कि 2 साल पहले आवेदन दिया था इस मामले को लेकर कवैया थाने में लेकिन इस पर कोई पहल नहीं की। अब 2 साल पहले के आवेदन की उसकी तहकीकात हम लोग करेंगे कि किस संदर्भ में क्या आवेदन दिया है लेकिन पीड़ित के परिवार ने का फोटोग्राफ तो आपको साक्ष्य सामने है, आप देख लीजिए कि लड़की का माँ फोटोग्राफ में है, शादी की तस्वीर है साथ में है, तो ये सब ने तो रजामंदी करके शादी की और बाद में लड़की को दुराव करके अलग किया इससे, तो सारा घटनाक्रम में तो लड़की के परिवार वाले की क्या भूमिका ये भी स्पष्ट है पूरे फोटोग्राफ से और इन नोटिंग से। घटना में कितने हथियार का प्रयोग हुआ है? हथियार एक ही प्रयोग हुआ है जो रिकवर हो चुका है। थैंक यू। ये प्रेस रिलीज। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से वहां की प्रशासन अपील कर रही है लेकिन कुछ जातिवादी संगठनों के द्वारा उस मामले को ब्राह्मण वर्सेस दलित बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जबकि ये जो मामला है ये विशुद्ध रूप से प्रेम प्रसंग का मामला है, जो वहां के एक दलित समाज का लड़का आशीष चौधरी और एक ब्राह्मण समाज की लड़की दुर्गा झा के बीच है। किस तरह से उन दोनों का जो प्रसंग है वो सुर्खियों में है और आप सब लोग इस चीज से अनजान नहीं है, तो हम भी अपने समाचार चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप सब लोग शांति और सौहार्द बनाए रखिए, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन कुछ अब सामंती विचारधारा के लोग हैं तो वो उकसाएंगे, वो चाहेंगे बिहार सरकार को नीचा दिखाना, लेकिन हमारा ये काम नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, मौत किसी का भी हो, किसी जाति धर्म समुदाय का हो, गलत है। तो वहां का जो मामला है उसको थोड़ा अगर विस्तार में समझिएगा तो वो लड़का बिल्कुल मेंटली प्रेशर में जाकर के ये घटना किया है। उससे पहले उसने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, पशुपतिनाथ कहां कहां घूमा वो, और वहां से आने के बाद ये सारा कुछ किया। उसका वीडियो हम फिर कभी आपको दिखाएंगे लेकिन हम चाहेंगे कि इसको, इस मामला को जबरदस्ती दलित वर्सेज ब्राह्मण नहीं बनाया जाए। इसमें जो जानकारी है वो बराबर वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा अपडेट की जा रही है और ये जो मामला है ये विशुद्ध प्रेम का मामला है, इसमें दूसरा कोई एंगल नहीं है और एंगल ना दिया जाए तो ठीक रहेगा। और हम चाहेंगे वहां के जनता से एक बार फिर चाहेंगे
कि आप लोग अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, पुलिस अपना काम कर रही है। तो इसी तरह के वीडियो आप हमारे चैनल पर और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।